ओके गाइस, तो हम लोग एक्सरसाइजेस शुरू करें। सबसे पहले करेक्ट आंसर टिक करना है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े और मजबूत प्लांट्स जो हैं वो कहे जाते हैं क्या क्या क्या? ट्रीज। अ बेबी प्लांट कम्स आउट ऑफ अ, बेबी प्लांट किधर से आता है, किधर से आता है? फ्लावर से नहीं, लीफ से नहीं, सीड से आता है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमें जो है प्लांट्स का नाम सही कॉलम में रखना है। तो मतलब कौन ट्री होगा, कौन जो है हर्ब, कौन श्रब। ओके, तो इसमें क्या करना है हमको, बनियान और मैंगो ये दोनों किस में आएंगे, ट्री में। ठीक है, ये दोनों जो है वो ट्री में आ जाएंगे। दूसरी तरफ सनफ्लावर और ग्रास ये दोनों जो हैं ये जाएंगे हर्ब्स में। ठीक है, इनको जो है हर्ब्स में डाल देंगे। फिर तुलसी एंड हेना ये दोनों जो हैं वो जाएंगे श्रब में। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ये वर्ड्स हैं हमारे पास और हमें कंप्लीट करना है। वीट प्लांट इज अ, ओके, हर्ब, राइट, इट्स एन हर्ब। वीट प्लांट इज अ हर्ब। फिर उसके बाद प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर, तो वेल प्लांट्स इनको की ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो कहलाते हैं क्लाइंबर। तो क्लाइंबर आ जाएगा इधर। रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट डैश ऑफ ए प्लांट, आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ओके, डन आर डन। फिर ट्रू फॉल्स कर लें। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स, सही बात है। लीव्स आर मोस्टली येलो इन कलर, ना गलत बात है ये। लीव्स वो किस कलर के होते हैं, मोस्टली ग्रीन, यस। क्लाइंबर्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, बिल्कुल सही बात है। क्लाइंबर जो है वो खुद के बल पर सीधा ऊपर ऊपर नहीं जा सकते हैं, वरना हम चना के पेड़ पर झूला तो झूल ही सकते थे, लेकिन ऐसा कर पाते हैं हम नहीं ना, क्यों? क्योंकि चना भी क्या है, क्लाइंबर है, वो भी अपने बल पर जो है सीधा ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकता। अब आगे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान है। वॉट आर श्रब्स, तो वेल श्रब्स क्या हैं, तो श्रब्स का डेफिनेशन तो यहाँ पर दिया हुआ है ना हमारे पास, किधर है, किधर है, किधर है, या हियर। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब अगर हर्ब का पूछेगा तो क्या बता देंगे हम, सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। आसान है, खोज के लिख देंगे आप आंसर। ऐसे पूछता है कि नहीं, ओ नहीं पूछा है। फिर अगले में व्हाट आर क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, तो चलो अब क्रीपर को ढूंढते हैं हम लोग। क्रीपर भैया किधर हैं, किधर हैं, किधर हैं क्रीपर भैया, ये रहे ना। चलो, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। डन, क्रीपर्स का मिल गया डेफिनेशन आपको, और आप लोग इसको आराम से लिख भी लीजिएगा। फाइनली है, when does अ बेबी प्लांट कम आउट ऑफ अ सीड, बेबी प्लांट कब जो है सीड से बाहर आता है, सुबह होने पे, सॉरी, अ बेबी प्लांट कम्स आउट ऑफ सीड when इट गेट्स वाटर एयर एंड सनलाइट। अ बेबी प्लांट comes out of seed when it gets water, air and sunlight. So easy peasy, हो गया आंसर। Okay, can plant grow from any other part of a plant except seeds? Yes, they can. देखते हो गुलाब का पौधा क्या होता है, उसकी टहनी काट के लगा दो पौधा निकल जाता है। फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके कि पत्तों से ही जो है नया रूट निकलने लगता है। तो वेल बहुत कुछ होता है, जादू है। ओके, करेक्ट आंसर, वी शुड बी डैश लाइक ट्रीज। ओके, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रीज, सही बात है। अब ये एक्टिविटी आपको बताई गई है, ये भी करके देख लेना।
कुछ बीज ले लेना, उन्हें पानी में जो है फुला देना, फिर उसके बाद जो एक छोटा सा बर्तन लेना, इसमें सॉइल मिट्टी भर लेना, और फिर जो पानी में जो ये भिगोया हुआ जो सीड है इसको जो है पॉट में डाल के कवर कर देना, और फिर जो है सीड्स के ऊपर से जो है ना हल्का हल्का सॉइल जो है उसको डाल के कवर कर देना, ठीक है। मतलब कवर ऐसे ढक्कन लगा के नहीं करना है, सीड डाल के उसके ऊपर हल्का हल्का जो है फिर मिट्टी से उसको ढक देना है। कीप द पॉट इन एन एयरी एंड सनी प्लेस। अब इस पॉट को जो है खुले जगह में हल्की धूप पर रहनी चाहिए, वहाँ पर डाल दो। वाटर इट एवरी डे एंड वॉच व्हाट हैपेंस। हर एक दिन पानी दो और देखो क्या होता है। वेल, होगा क्या, पौधा निकलेगा, है कि नहीं। चलो फिर कहानी ख़त्म इस चैप्टर की। अगले में हम लोग जो है फिर प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स, ठीक है। वेल देन, मिलते हैं तब अगली क्लास में, देखते हैं क्या सब होता है। बाय बाय।